हेलो बच्चों, 2.3 हम कर रहे थे एक्सरसाइज क्लास 9th। तो मैंने आपको बताया था कि डिवाइजर मेथड क्या था, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम या फिर डिवाइजर मेथड। तो रिमाइंडर थ्योरम में दो चीज़ें होती है हमारे पास, एक तो हमारे पास होना चाहिए डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, जो अंदर की साइड होता है ऐसे, ये डिविडेंड, और ये आपका हो गया डिवाइजर, ये आपका हो गया क्वेशेंट, और यहाँ जो आपका सोल्व करने के बाद में आएगा वो होगा रिमाइंडर, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आपको पता है ये जो डिविडेंड होता है, एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपका डिविडेंड है वो होगा वो डिवाइजर और क्वेशेंट का मल्टीप्लाई, डिवाइजर इंटू क्वेशेंट, और इसमें आप ऐड कर दो रिमाइंडर, उसमें आप क्या ऐड कर दो, रिमाइंडर ऐड कर दो। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, मतलब ये दोनों आप मल्टीप्लाई करो और ये ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसको आप क्या करोगे, ऐड, तो आपका क्या आएगा, डिविडेंड आएगा। तो ये था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप रिमाइंडर फाइंड आउट करो। तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको मेथड बता रखा है, बट एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं 2.3 के, थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा। वो वीडियो देख लेना पुरानी वाली, और उसके बाद में इस पे आ जाना, यहाँ वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम 2.3 का क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए इज़ डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तो ये डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइड कर सकते हो आप, या फिर आप एक्स माइनस ए को इक्वल जीरो करके एक्स की वैल्यू निकाल के एक्स की जो वैल्यू आएगी वो इसमें फाइंड आउट कर डाल दोगे, पुट कर दोगे, तो भी आपका रिमाइंडर आ जाएगा। और चेक वेदर 7 + 3x इज़ ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, ठीक है। चलिए हम दोनों क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट, मैं ले लेता हूँ उसको। सेकेंड क्वेश्चन है कि जो आपका पी एक्स गिवन है, पी एक्स कितना गिवन है, हाँ तो ये आपको पी एक्स, हाँ तो वापस स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए पी एक्स आपका जो गिवन है वो आपका गिवन है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स और माइनस का ए, और ये आपको जो आपको डिवाइजर जो आपको गिवन है वो आपका एक्स माइनस ए है। अब आपसे पूछा है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर फाइंड आउट कर लो। रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए या तो आप ये मेथड लगा दो, और यह आप मेथड लगा दो पुटिंग मेथड। ये मेथड मैंने आपको बता चुका हूँ, मैं आपको इस टाइप से बता रखा है, ये आपने क्वेश्चन कर रखा होगा। देखिए इस टाइप से मैंने आपको ये क्वेश्चन बता रखा है ना, एक्स माइनस ए का डिवाइड करना है, फिर ये ऐसे करके रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए मैं वापस करवा देता हूँ एक बार, ये वापस फटाफट हो जाएगा। आपको एक्स क्यूब गिवन है माइनस ए एक्स स्क्वायर गिवन है प्लस सिक्स एक्स माइनस ए, ठीक है। इसको हम एक्स माइनस ए से, ये आपका गिवन है डिवाइजर, ये आपका डिविडेंड, क्या करेंगे, मैक्सिमम एक्स क्यूब, हेयर इज मैक्सिमम एक्स, तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे एक्स क्यूब में एक्स का क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर को इस पूरे से मल्टीप्लाई करके नीचे सेट कर देंगे। सेट करने का मतलब बच्चों ये है कि जैसे एक्स क्यूब आएगा एक्स स्क्वायर एक्स से करेंगे तो एक्स क्यूब आ गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर आ रहा है तो इसके नीचे करो, नहीं आ रहा है छोड़ दो, एक्स आ रहा है तो यहाँ रख दो, और विदाउट एक्स आ रहा है तो यहाँ रख दो। हमने मल्टीप्लाई किया माइनस ए एक्स स्क्वायर को, तो माइनस का ए एक्स स्क्वायर ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पर्पज़ ये होता है जिसके लिए हमने ये सब किया है, किसके लिए किया है, मैक्सिमम पावर के लिए, वो कैंसिल आउट हो जाए, मतलब ये मैक्सिमम पावर है ये कैंसिल आउट हो जाए, फिर इसे छोटी वाली पावर को हम देखेंगे कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, बट अभी हमारी सबसे मैक्सिमम पावर ये है। इसको कैंसिल आउट करने के लिए क्या है, देखो बच्चों ये प्लस का है ये भी प्लस का है, प्लस प्लस में तो कैंसिल आउट होगा नहीं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे। हमने साइन चेंज किया, अब ऐसा नहीं है कि इसका साइन चेंज कर दिया तो काम चल गया, इसका किया तो इसका भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हमने साइन चेंज किया, माइनस का प्लस हो गया, इसका मतलब ये जो साइन है ये पुराने हो गए, इसको आप हटा दो, भले इसको आप हटा भी सकते हो, नहीं तो आप इग्नोर कर दो उसको। तो प्लस माइनस ये कैंसिल आउट, और यहाँ माइनस प्लस, माइनस प्लस ये भी कैंसिल आउट, ठीक है। ए एक्स, क्योंकि साइन संख्या हमारी सेम थी, प्लस आ गया सिक्स एक्स माइनस ए, मैक्सिमम इज सिक्स एक्स, हेयर मैक्सिमम इज एक्स, डिवाइड कर दो कितना आया, सिक्स आया, प्लस का सिक्स यहाँ रख दो,
इस सिक्स को पूरे इससे मल्टीप्लाई कर लो, सिक्स एक्स माइनस सिक्स ए प्लस का सिक्स एक्स माइनस सिक्स ए, साइन चेंज कर दो, कैंसिल आउट, यहाँ साइन चेंज किया, माइनस ए प्लस का सिक्स ए तो क्या आ गया प्लस का फाइव ए। कैसे आया माइनस और प्लस, मतलब कि सब्सट्रैक्ट होगा क्योंकि साइन चेंज है, दोनों अलग अलग साइन है तो फाइव ए आया, बट बड़ा क्या था सिक्स ए था, इसका साइन प्लस था इसलिए प्लस का आया। तो अब इसके बाद में आप देखो यहाँ तो एक्स गायब ही हो गया और यहाँ पे एक्स है, मतलब एक्स जब यहाँ से जो हमारा मेन वेरिएबल था एक्स वो यहाँ पे रहा नहीं, इसका मतलब इसको हम क्या कर देंगे रिमाइंडर, क्योंकि एक्स होता तो हम इसमें डिवाइड करते एक्स का, लेकिन यहाँ एक्स है ही नहीं तो इसको हमने क्या मान लिया रिमाइंडर। तो ये आपका रिमाइंडर आ गया बच्चों, ठीक है, ये आपका था बाई डिवाइडिंग। अगर आपको बोल दे पर्टिकुलर कि आपको तो डिवाइड करना है, डिवाइजर मेथड ही लगाना है, तो आप ये लगाओ, अदरवाइज एक मेथड है ही अपने पास में, वो मेथड मैं थर्ड क्वेश्चन में करवा देता हूँ जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ, एक्स माइनस ए को आप जीरो पुट कर दोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई ए आ गई, इस ए को आप इसके अंदर पुट कर देना, जहाँ जहाँ एक्स दिखे वहाँ वहाँ एक्स पुट कर देना, उसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने का मतलब उसको मल्टीप्लाई कर लेना, जो कटे काट देना, उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो यही होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है चेक वेदर सेवन प्लस थ्री एक्स इज़ ए फैक्टर ऑफ, सेवन प्लस थ्री एक्स इज ए फैक्टर ऑफ थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स, ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर बोलने का मतलब यही है कि ये आप चेक करो कि ये इसका फैक्टर है, या फिर आप इसको आप क्या करो जीरो के इक्वल कर दो और एक्स की वैल्यू आप निकाल लो, सेवन उधर गया माइनस सेवन, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस सेवन अपॉन में थ्री, या तो ये कह दे कि चेक करो सेवन प्लस थ्री एक्स इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस, या फिर आप ये कह सकते, ये कह सकता है कि चेक करो कि एक्स की वैल्यू जो माइनस सेवन अपॉन थ्री है वो इसका जीरो है कि नहीं है, जीरोज है कि नहीं है, फैक्टर ऑफ जीरोज है कि, जीरोज मतलब एक्स की वैल्यू और फैक्टर का मतलब वो एक पूरी टर्म, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, अगर आपको फैक्टर दे रखा है तो आपको जीरोज फाइंड आउट करना है, और जीरोज आपको गिवन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट ही चेक कर देंगे। अब देखो मेथड क्या है, जब आपने एक्स की वैल्यू निकाली उस एक्स की वैल्यू इस पॉलीनोमियल में आप क्या करो पुट कर दो और चेक करो कि ये जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थ्री एक्स, एक्स की जगह मैंने लिखा सेवन अपॉन थ्री का क्यूब प्लस सेवन माइनस सेवन अपॉन थ्री, अब ये हो गया थ्री इंटू माइनस ऑड की पावर क्यूब, ऑड की पावर क्यूब मतलब माइनस ही रहेगा, सेवन का क्यूब, सेवन का क्यूब कितना होगा फोर्टी नाइन, थ्री फोर्टी थ्री अपॉन में थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन प्लस माइनस माइनस फोर्टी नाइन अपॉन में थ्री। अब बच्चों आप बात देखो, एक थ्री से कट गया नाइन आ गया, आपको लगता है कि ये दोनों जब सॉल्व होंगे, इसको करूँगा तो वन वन हो ही नहीं रहा, थ्री से नहीं जा रहा ये, है ना, तो आपको लग रहा है कि ये दोनों कैंसिल आउट होकर जीरो हो सकते हैं, जीरो नहीं होंगे ना, श्योर बात है जीरो नहीं होंगे, इसका मतलब जीरो नहीं होंगे तो क्या होंगे उससे मतलब नहीं है, जीरो होंगे कि नहीं होंगे ये बताओ आप, जीरो नहीं होंगे। पी एक्स में जब हमने एक्स की वैल्यू माइनस सेवन अपॉइंट थ्री पुट करके देखी तो जीरो नहीं हो रहा, तो ये इसको जब इसको जीरो नहीं कर पा रहा है इस पॉलीनोमियल को, तो ये इसका जीरोज नहीं होगा और ये इसका फैक्टर नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि कंडीशन है ना, कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन क्या है कि एक्स की वैल्यू इसको जीरो कर दे तो ये जीरोज हो गया, असली जीरोज कहते हैं ना, असली मतलब रियल, अगर रियल जीरो होता ये ना तो इसको जीरो कर देता ये, और अगर ये रियल फैक्टर होता ना तो भी इसको जीरो कर देता। तो इन्होंने क्या किया, एक्स की वैल्यू माइनस सेवन अपॉन थ्री इस पॉलीनोमियल को जीरो नहीं कर पाई, इसलिए हम कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस सेवन अपॉन थ्री इज नॉट द जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल, और वी कैन से दैट सेवन प्लस थ्री एक्स इज नॉट द पॉलीनोमियल ऑफ, सॉरी सेवन प्लस थ्री एक्स इज नॉट द फैक्टर ऑफ थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स, अंडरस्टैंड। तो ये था बच्चों, एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.3 तीन ही क्वेश्चन है बट 2.4 के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इससे, क्योंकि 2.4 भी मैंने लगभग करवा दी है, क्योंकि उसमें ये डिवाइजर मेथड था, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप ये कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.4 भी कवर हो जाएगी इसी से, उसमें तो सारों में यही अप्लाई करना है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन लेके